हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड एज यूजुअल वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस हफ्ते भी दो आईपीओज रिलीज हो रहे हैं और इस वीडियो में हम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। कंपनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स यानी कि होजेस मैन्युफैक्चर करती है जो काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। इस कंपनी की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया बैक करते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट एज वेल एज आईपीओ न्यूज़। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ की डिटेल समझते हैं। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 22 अगस्त को और क्लोज होगा ऑन 24 अगस्त 2023। आईपीओ की टोटल वर्थ है 351 करोड़ रुपीज़। इसमें एक फ्रेश इशू है 162 करोड़ रुपीज़ का और ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है 189 करोड़ रुपीज़ का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 102 टू 108 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 130 शेयर्स पर लॉट और शेयर्स अलॉट होंगे 29 अगस्त को। आईपीओ लिस्टिंग डेट है 1 सितंबर की। पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के नेट प्रोसीड यूज होंगे लोन्स की सेटलमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फंड करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए। इस सेक्शन में हम कंपनी की फंक्शनिंग को समझेंगे। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1993 में एस्टैब्लिश हुई थी। जैसे कि वीडियो के बिगिनिंग में हमने मेंशन किया है, कंपनी फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेटालिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इनके प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में यूज होते हैं। इनके प्रोडक्ट्स की रेंज काफ़ी एक्सटेंसिव है। ये ब्रेडेड एंड अनब्रेडेड होजेस, सोलर होजेस, गैस एंड वैक्यूम होजेस बनाते हैं। ये होजेस काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं जहां पर सॉलिड्स, लिक्विड और एयर की रेगुलेटेड ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं फायर स्प्रिंकलर्स, एयर सप्लाई इन एयरक्राफ्ट्स, फ्यूलिंग एंड हाइड्रोलिक्स इन एयरक्राफ्ट्स। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 1700 से भी ज़्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं और ये 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तलोजा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा समझते हैं। 2020 में ग्लोबल स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल होजेस की मार्केट की वैल्यू $25 बिलियन थी। इसमें से स्टेनलेस स्टील कॉरोगेटेड होजेस की मार्केट $12.5 बिलियन की थी। प्रोजेक्शंस इंडिकेट करते हैं कि 2027 तक एसएस कॉरोगेटेड होजेस की मार्केट की वैल्यू $38 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अगर ग्लोबली बात करें तो स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल होज मार्केट की लिस्ट को एशिया पैसिफिक टॉप करता है और कंटिन्यूड ग्रोथ प्रोजेक्टेड है। ये एक्सपेक्टेड है कि सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी स्टोरेज और एविएशन सेक्टर्स में भी इस प्रोडक्ट की यूसेज होगी जो कि इन टर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ को हेल्प करेगी। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज रिपोर्टेड एट 269.46 करोड़ रुपीज़ इन FY23 अगेंस्ट 240.80 करोड़ रुपीज़ इन FY22 एंड 144.77 करोड़ रुपीज़ इन FY21, अप बाय 11.90% इन वन ईयर एंड 86.13% इन टू ईयर्स। EBITDA अमाउंटेड टू 54.03 करोड़ रुपीज़ इन FY23 अगेंस्ट 46.69 करोड़ रुपीज़ इन FY22 एंड 22.33 करोड़ रुपीज़ इन FY21, अप बाय 15.72% इन वन ईयर एंड 141.96% इन टू ईयर्स। PAT वॉज मार्क्ड एट 30.15 करोड़ रुपीज़ इन FY23 अगेंस्ट 27.50 करोड़ रुपीज़ इन FY22 एंड 6.01 करोड़ रुपीज़ इन FY21, अप बाय 9.63% इन वन ईयर एंड 401.66% इन टू ईयर्स। टोटल एसेट्स फॉर FY23 वर रिपोर्टेड एट 213.97 करोड़ रुपीज़ अगेंस्ट 183.43 करोड़ रुपीज़ इन FY22 एंड 161.64 करोड़ रुपीज़ इन FY21, अप बाय 16.64% इन वन ईयर एंड 32.37% इन टू ईयर्स। टोटल लायबिलिटीज फॉर FY23 वर रिपोर्टेड एट 99.88 करोड़ रुपीज़ अगेंस्ट 97.21 करोड़ रुपीज़ इन FY22 एंड 102.92 करोड़ रुपीज़ इन FY21, अप बाय 2.74% इन वन ईयर एंड डाउन बाय 2.95% इन टू ईयर्स। अब इस सेक्शन में हर बार की तरह हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रेंथ्स के साथ। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि वो वेरियस इंडस्ट्रीज को सर्विस करती है। ये अपने प्रोडक्ट्स 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्री में हाई एंट्री और एग्जिट बैरियर्स हैं। इनका कस्टमर बेस काफ़ी डाइवर्स है और इनके कोई लिस्टेड पेयर्स नहीं है। एंड लास्टली, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी काफ़ी एडवांस्ड है। अब डिस्कस करते हैं कंपनी की रिस्क के बारे में।
कंपनी पर हायर इंपोर्ट ड्यूटीज और फॉरेन रेगुलेशंस का इफेक्ट पड़ सकता है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई होती हैं। कंपनी के पास अपने कस्टमर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं और विलफुल डिफॉल्टर भी रह चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।